मेरे घर पर एक क्यूट सा मेहमान आया है, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप लोग? और मैंने अपने पैर से ही ऐसे कर दिया, दैट्स बैड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले तो थैंक यू, आप आए हो इसके लिए, और जाके सब्सक्राइब करो। और जो पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं उन लोग को नमस्ते और वेलकम बैक दोनों। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट दिवाली आ गई है एंड सब तैयारी ऑलमोस्ट, आप लोगों ने भी अपने घर में सारी तैयारियां कर ली होगी, सब कुछ खरीद लिया होगा, शॉपिंग कर ली होगी, सारी अरेंजमेंट्स कर ली होंगी, बहुत सारी लाइटें होने वाली है, मिठाई होने वाली, खाने के लिए होने वाला खाना। को तो लिटरली पता नहीं चल रहा ये ईयर कब स्टार्ट हुआ और दिवाली भी आ गई है। बट इट इज सुपर फन कि दिवाली आ गई है। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि सब कुछ लास्ट मिनट पे चल रहा है, सब कुछ लास्ट मिनट पे हो रहा है। भी ऑलमोस्ट तैयारियां चल रही है, साफ सफाई वगैरह मेरे घर पे मैंने किया, थोड़ा इधर स्टूडियो भी मैंने किया, तो वही सब चल रहा है और देखते हैं कैसा क्या होता है। काउच है और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि काउच आ गया है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने चश्मे के ऊपर बैठी हूँ। हाँ, मैंने रखवा दिया है फाइनली, मतलब ये सोफा का फिनिश लुक नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज गोइंग टू चेंज। मेरे फ्रेंड के डैड ने मुझे हेल्प किया, वो पहले से डिसाइड किया कि मुझे वही पर्टिकुलर कलर का काउच का कपड़ा चाहिए, वही टेक्सचर चाहिए, एवरीथिंग। तो मैंने बहुत सर्च किया, गाने पूछी, और आजकल बहुत ज्यादा ऑन डिमांड की वजह से नहीं अवेलेबल था। तो फिर मैंने ट्राई किया एंड फाइनली आई वॉज एबल टू गेट इट। इट इज नॉट दिस कलर, इट इज सम डिफरेंट कलर। फिर सारे, मतलब अभी दिवाली के बहुत सारे लोग काम करवा रहे हैं, तो बहुत सारे कारीगर, बहुत सारे अच्छे कारीगर बिजी है। तो मुझे लगा कि मुझे मेरा काम घाई में नहीं करवाना। उन्होंने डेट दी है कि वो लोग दिवाली के बाद मोस्टली फ्री हो जाएंगे, दिवाली के सेकंड थर्ड डे पे फ्री हो जाएंगे। तो अगर दिवाली में मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली वाले विजिट किए तो एटलीस्ट काउच तो है कि सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रहे, बट बाद में मुझे जिस तरीके से चाहिए वो मैं अच्छे से बनाऊं, कोई घाई नहीं करते हुए। तो इसलिए वो दिवाली के बाद बनेगा। तो तब तक के लिए मैं बताऊं, ये फिनिश फाइनल लुक नहीं है, ये चेंज होने वाला है, बट आई एम लविंग इट, आई एम स्टिल लविंग इट कि मैं इस पे रह सकती हूँ, बैठ सकती हूँ मस्त। तो ये एक चीज है। और दूसरा मुझे आपको बताना है कि मैंने, मतलब मैंने नहीं लिया है, मैं बोल सकती हूँ मेरे घर वालों ने, मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे एसी, मतलब जो मुंबई में रहते होंगे उनके लिए खास, जो मुंबई में रहते होंगे उनको मालूम है कि लाइक रेनी सीजन जाने के बाद विंटर सीजन के बीच में इंडिया के बाहर तो अच्छा खासा, अक्टूबर का मंथ को बोलते हैं ऑटम सीजन, हवाएं चल रही है, सब अच्छा लगता है, बट इंडिया में एंड स्पेशली मुंबई में ऐसा कुछ नहीं होता। अक्टूबर में होती है बहुत ज्यादा गर्मी, तो एसी तो एक्चुअली विंटर में भी कभी कभी गर्मी हो सकती है मुंबई में, मुंबई के क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं। तो एसी चाहिए थी मुझे, तो मेरे घर वालों ने, मतलब एज अ वेरी स्वीट जेस्चर, मम्मी डैडी ने एसी गिफ्ट किया है मुझे कि आपके नए घर पे आप एसी ले लो बेटा, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच मॉम एंड डैड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आई लव यू, थैंक यू। एसी भी लग गया तो अब अच्छा लग रहा है, अब बस अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइज, फाइनली झूला। अरे यार, द स्ट्रगल इज वेरी रियल। सो फाइनली झूला भी लग गया है बालकनी स्पेस में। अब मैं यहाँ पर बैठ के अपनी शाम की मस्त सी चाय जो मैंने आजकल थोड़ी छोड़ दी है, बट रिलेट कर लो कि चाय देखते देखते मस्त सनसेट। सो गाइज, लास्ट वाले वीडियो में मैंने ना नायका और अमेजोन से बहुत कुछ मंगवाया था, तो वो मैंने अनबॉक्सिंग की थी और मैंने वो आपको दिखाया था। तो उसमें ना जो फर्स्ट चीज मैंने ओपन की थी, तो मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं वो क्लोथिंग स्टैंड अगर अच्छे से बनवा लूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। अगले दिन मैंने उसे पूरा अच्छे तरीके से सेटअप कर लिया था एंड इट्स हियर, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। सो गाइज, दिस इज दैट स्टैंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट, द क्लोथिंग स्टैंड जो मैंने मंगवाया है। सो दिस इज इट। थोड़ा सा एस्थेटिक दिखने के लिए मैंने थोड़े न्यूड कपड़े अपने जो भी थे थोड़ा सेटअप कर दिया आपको बताने के लिए। और ये एक्चुअली सेटअप भी है क्योंकि मैं इस आउटफिट का शूट भी करने वाली हूँ, सो हियर इट इज। और प्लस ये बहुत अच्छा भी लग रहा है, थोड़े कपड़े इस्त्री नहीं है बट मैं कर लूंगी। टेल मी यू आर एन इंडियन विदाउट टेलिंग मी यू आर एन इंडियन, तो मैंने इस्त्री नहीं किया बट मैं कर लूंगी। सो दिस इज इट। तो यहाँ पर शूज रखने के लिए, बाकी कुछ सामान रखने के लिए भी उन्होंने दो स्पेस दिए और पर्टिकुलरली दो होल्डर्स मंगवाए। ये एक होल्डर का भी अवेलेबल होता है, सो अगर आपको चाहिए तो आप ये मंगवा सकते हो अमेजोन से। एंड साथ ही साथ यहाँ पर लाइक अगर आप चाहिए तो अपने बैग को होल्ड करवाने के लिए यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर भी एक बैग रखा है,
तो इट्स वेरी क्यूट. मुझे तो बहुत ये यूजफुल था तो मैंने मंगवा लिया. तो दिस इज इट जो लास्ट वीडियो में बताना रह गया था. इट इज माई क्यूट एलेक्सा. When you wait until the night before Halloween to pick your costume? Okay, she's... Well, I don't. Alexa, stop. She's vibing some different thing. Alexa, we'll vibe later. So, guys, मेरे घर पर एक क्यूट सा मेहमान आया है. मैं आपको दिखाती हूँ. कितने महीने किया? 2 महीने किया. Oh, 2 महीने क्यों? कितनी मस्त है रे. Whiskey. Whiskey. Say hi to my YouTube family. और ये अमीशा है गाइस, ये मेरी फ्रेंड है अमीशा के साथ. आज हम बनाने वाले बहुत सारा कंटेंट. अमीशा को बहुत सारे फोटोज खींचने हैं, मुझे रील्स बनानी है, तो मैं अमीशा की मदद करूंगी, अमीशा मेरी मदद करेगी. देखा, यही होती है कंटेंट फैमिली, एक दूसरे की मदद करके हम आगे बढ़ेंगे. इन्फ्लुएंसर की फ्रेंड. हाँ, ये इन्फ्लुएंसर है, मैं तो यूट्यूबर बन गई. तो दोनों है यार. थैंक्स यार, थैंक्स. सनसेट स्काई के डिफरेंट चेंज होते हुए कलर, मतलब हम दोनों हमेशा व्हाट्सएप के अगर आप चैट देखोगे ना तो हम एक दूसरे को पिक्चर भेजना, मुझे सेंड करना सनसेट का पिक्चर. हाँ, सनसेट का पिक्चर हम एक दूसरे को भेजते थे, हम दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है. तो मे बी मेरी खिड़की से यही जितनी बार, हजार बार मेरे यूट्यूब फैमिली को बोल दिया कि आज सनसेट बहुत अच्छा. सो गाइस, स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूंगी, अगर दो गर्ल्स मिलती है तो वो क्या बातें करती हो? गेस करो क्या बातें करती हो. मेकअप. ये इतना प्यारा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ. ये स्लाइड में और भी क्या शाइन कर रहा है, बहुत मस्त लग रहा है. और अभी हम लोग का मेकअप सब है बाहर, अभी हम लोग मेकअप करने वाले हैं. मतलब इतना हैवी नहीं करने वाले, हेलोवीन आके चला गया, अब दिवाली आ रही है गाइस, तो ये इतना हैवी नहीं करने वाले. बट न्यून मेकअप रखते हुए हम लोग को शूट करना है, तो अमीशा शी इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, तो वो करने वाली है. चलो लेट्स गो. इसको हटाना पड़ेगा. हाँ, विस्की को तो हटाना पड़ेगा. विस्की बाय. But this is not a sabun ka and ओवरऑल मेकअप टर्न्ड आउट रियली वेल. तो मैंने फटाफट फोटोज खींच ली, रील्स बना लिए, सब कर लिए. और अभी थोड़ी शाम होने आई और हमें चाहिए ग्रीन टी. Cheers. आराम से सनसेट होने वाला है, सनसेट देखते देखते वाइब करने वाले, गाने सुनने वाले. द वीकेंड और ट्रैविस स्कॉट, बस दैट्स इट. उस पे हम चिल करने वाले टोटली. और इसी के साथ आप लोगों को एडवांस में हैप्पी दिवाली गाइस, जो भी एंड होने आया है. सो मेरे वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और अपना प्यार देते रहे. सो थैंक यू सो मच गाइज. सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम. बाय.